the time period of Antichrist. तो एंटीक्राइस्ट का जो टाइम पीरियड है उसके मुतालिक जब हम बात करते हैं तो मैं वहीं से शुरू करूंगा खुदा के कलाम को जहां मैंने छोड़ा था और मैंने बताया था कि ज़रूर है बहुत सारे निशानात ज़ाहिर होंगे और बहुत सारे निशानात हमें बताते हैं कि किस तरह से कलीसिया को उठाए जाने से पहले क्या क्या होगा। ज़मीन पर कम अज़ कम तीन वाक़ियात रूनुमा होंगे जो मैंने बताए और वो क्या है। पहला वाक्या बेदीनी का भेद मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया बरगश्तगी बगावत होगी खुदा के कलाम से, और तीसरा एक रोकने वाला है जरूर है उससे दूर किया जाए और वो कलीसिया है। जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाती इब्लीस अपने मंसूबे को इस जमीन पर पूरे तौर पर पूरा नहीं कर सकता। फिक्र ना करें, इल्यूमिनेटिस का फिक्र ना करें। बहुत सारे लोग आपको इल्यूमिनेटी से डराते हैं कि इल्यूमिनेटी जो है वो ये कर लेंगे, इल्यूमिनेटी ये कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इल्यूमिनेटी चाहे कोई भी हो, कोई भी ग्रुप है, किसी ने कहा ये 13 खानदान है जो जमीन पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, भाई हम मान गए आपकी बात, लेकिन हम खुदा के कलाम पर ज्यादा इत्काद रखते हैं। हालात चाहे कैसे भी हों, खुदा हमारा जिंदा खुदावंद हमें संभालेगा। हालेलुया। तो शुक्र गुजारी करते हैं। तो बेदीनी के भेद से क्या मुराद है, तीन बातें मैंने बताई जाहिर होंगी। बेदीनी का भेद बरगश्तगी यानी बगावत, और फिर कलीसिया का उठाया जाना। तो बेदीनी का भेद, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद बुराई की वो कुवतें हैं, बुराई की वो ताकत है, इविल पावर है, और वो कुवतें हैं जो पस पर्दा काम करती और पूरी दुनिया में सरगर्म अमल हैं। दूसरा थसलिकियों दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम खोलें और दूसरा थसलिकियों दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पर यह बात लिखी है क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। बेदीनी का भेद अब भी तासीर करता है। तो जब हम इसके मुतालिक देखते हैं कि बेदीनी का भेद जो अब तासीर करता है वो क्या है, वो तासीर करता जाता है, यहां पर लिखा है तासीर करता जाता है, ये कंटिन्यूस टेंस है, ये जो फेल हाल जारी है इसमें बताया गया है किस तरह से फेल हाल जारी है। बेदीनी का भेद बगावत की रूह उन भती की कुवतों को जाहिर करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये जो बेदीनी का भेद है ये उन बदी की कुवतों की पस पर्दा सरगर्मी है जिसने इंसानी तारीख के इस सारे अरसे में मुकम्मल सरकशी और गुनाह के शख्स की राह तैयार करते हुए काम किया। वो काम कर रही है तस्वीर जो है, और वो इस गुनाह के शख्स हलाकत के फर्जंद के जाहिर होने के लिए राह तैयार कर रही है, राह तैयार हो रहे हैं। अब देखे क्या हो रहा है दुनिया में, मैं आगे जाके 666 पर जो सिम तैयार हो रही है उस पर जो वैक्सीन तैयार हो रही है और वैक्सीन के साथ आपको सिम भी 6666 की लगाई जाएगी मुख्तलिफ बहानों से, मैं उसके भी पर भी बात करूंगा। जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं होगा, खुदा का कलाम रूह की तलवार है, जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं होगा, जिसके अंदर खुदा के कलाम की सच्चाई नहीं होगी, जिसको खुदा के कलाम के भेदों की समझ नहीं दी गई होगी, याद रखें कि वो बर्दश्त और गुमराह हो जाएंगे। लेकिन जो बर्रे के खून और कलाम की गवाही पर कायम होंगे वही गालिब आएंगे। हालेलुया। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं यहां पर लिखा है कि ये वो सारे इंसानी तारीख के सारे अरसे में मुकम्मल सरकशी और गुनाह के शख्स की राह तैयार करते हुए वो लोग बदी की कुवतें काम करेंगी, वो लोग काम करेंगे, ये ना समझें वो काम नहीं करेंगे, वो जरूर काम करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं तो इसमें पहली बात, ये कुल्ली तौर पर बुराई और बड़े माराना तरीके से एक्सपर्ट होंगे वो बदी को फैलाने में, पोर्नोग्राफी जो है उसके मुतालिक जब हम देखते हैं
गंदी फाश तस्वीरें, और जब हम गंदी फाश तस्वीरों की बात करते हैं, बकायदा इसके पीछे एक इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री जो है ये काम कर रही है, और ये इंडस्ट्री जो है ये इस तरह से काम कर रही है कि वो लोगों के जेनों को, आंखों को नापाक कर रही है, और खुदा के कलाम को निकाल कर उसकी जगह वो क्या भर रहे हैं, वो उस गंदी तस्वीरों को, गंदगी को, फाशी को, और रियानी तस्वीरें। और मैं आपको बताऊं, रियानी तस्वीरों का रेट जो है उसका कुछ साल पहले रिपोर्ट हुई, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उसका सबसे ज्यादा रेटिंग थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इतनी ये रियानी तस्वीरों की इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है, बदी की कुवतें काम कर रही हैं, मुखालफ मसीह हलाकत के फरजान के जाहिर होने की राह तैयार कर रही हैं। इसलिए इन दिनों में जब आप अपने घरों में लॉकडाउन है या करंटीना में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है आप अपनी आंखों से नापाकी ना करें, अपने कानों से नापाक चीजें ना सुने, और नापाक अल्फाज ना बोलें। आपके होंठ, आपके लब पाक हो, आपका सुनना पाक हो, आपका देखना पाक हो, और आपकी जिंदगी इन दिनों ज्यादा मसीह के साथ लग जाए, क्योंकि ये सारे हालात बताते हैं कि यीशु बादलों पर जल्द आ रहा है। तो जब हम ये सारी बातें देखते हैं, तो ये कुल्ली तौर पर मैंने बताया बुराई, और बड़े माहिराना तरीके से सब कुछ हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री देखे, इल्यूमिनेटीज क्या कर रहे हैं। मैं एक दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये लेडी गागा और दूसरे जितने फेमस सिंगर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, हॉलीवुड बॉलीवुड के, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप हैरान होंगे ये बात सुनकर आम लोग, लेकिन जो लोग रिसर्च करते रहते हैं वो जानते हैं, जो खादिम भी रिसर्च करते हैं वो जानते हैं, आम लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो बेचारे मासूम और सादा लोग हैं, उनको गुमराह किया जाता है। जो फैशन वो करती है लेडी गागा या इस तरह के दूसरे फेमस सिंगर्स या वो जितने वो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री से, हॉलीवुड बॉलीवुड से तलक रखने वाले, जो वो ड्रेसिंग करते हैं, जो वो कलर कॉम्बिनेशन बाजुकात करते हैं, वो सारी तारीकी की कुवतों के कहने पर करते हैं, उनके उन्होंने अपनी रूहों का सौदा किया हुआ है, उन्होंने अपनी रूहों का सौदा किया हुआ है अबलीस के साथ, एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अबलीस के नुमाइंदों के साथ, और वो उन्हें प्रमोट करते हैं, उन पर पैसा लगाते हैं, और उनको बताते हैं इस तरह आप तैयार हो, इस तरह आप ड्रेसिंग करें, इस तरह आप, और आप देखते हैं कभी कभी, ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि जब वो गाती है वो अपने देवताओं की वर्शिप कर रही होती है, लेडी गागा और इस तरह के लोग सिंगर्स। इसलिए मसीहों, मसीह बेटियों, मसीह बेटों, खुदा के लोगों, आपको उन फिल्म के लोगों की नकल नहीं करनी, आपको अपने खुदावंद यीशु मसीह की हर हाल में प्रस्तुत करनी है और उसे जलाल देना है। आपका चाल चलन, आपका तरीका, आपकी ड्रेसिंग जो है तकद्दस के साथ हो, खुदा को जलाल देने वाली। बेटियों के लिए कहूंगा हयादार लिबास हो, क्योंकि ये बेदीनी पड़ रही है और बेदीनी का भेद ये जाहिर हो रहा है, इसलिए कुल्ली तौर पर वो बड़े माहिर हैं ये सब कुछ करने में, और बड़े माहिर तरीके से एक्सपर्ट है, उन्होंने शायद इसमें डिग्रीज की हुई हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी और रियानी तस्वीरों ने इन सारे मामलात के लिए खुल गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकायदा इंडस्ट्री की तालीम वहां पर फिर यूनिवर्सिटी में ली जाएगी इस सारे काम की। फाशी के नए नए तरीके अच्छाद हो रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस नहीं लगाएंगे, मैं अक्सर कहता हूं उन्हें नेट लगा देना, उन्हें एलसीडीज खरीद देना बड़ी, और उनको मोबाइल्स एंड्रॉयड या एप्पल मोबाइल से लेकर दे देना, ये आप ये ना समझा बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, अपने नौजवानों पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैंने एक दिन किसी मीटिंग में, किसी नौजवानों के सेमिनार में यह कहा कि आप एक दिन के लिए बगैर बताए अपने बच्चे का मोबाइल लें,
और कहे ये पासवर्ड खोल के ये मोबाइल मुझे दो एक दिन के लिए। एक दिन क्या, एक घंटे के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा क्या कर रहा है। बड़ा मेहरबानी, चेक एंड बैलेंस। अगर आप ईमानदार हैं, बचे हुए हैं, खुदावंद के कलाम से वाकिफ हैं, मोहब्बत रखते हैं खुदा के कलाम से, तो फिर मैं आपसे कहूंगा वो काम करें जो खुदा का कलाम कहता है। अपने वालदैन होने की जिम्मेदारी को पूरा करें ताकि आपके बच्चे बेदीनी की लहर में कहीं बह ना जाए, अब्लीस कहीं उनकी रूह के साथ सौदेबाजी ना कर ले। कोरोना का उतना डर नहीं है मसीहों को, मैं आपको बिलीव में ये कह रहा हूं, मुझे कोरोना का डर नहीं है। कोरोना से लोग मर रहे हैं, मुझे उन लोगों का डर है, मुझे उन लोगों के लिए अफसोस है, मुझे उन लोगों के लिए रोना आ रहा है जो मसीह के बगैर मर रहे हैं और उन्होंने अपनी रूहों के सौदे अबलीस के साथ किए हुए हैं। ईमानदारों के बच्चों ने भी, ईमानदारों ने भी बाजू का बरगश्ता होकर, ना कि बरगश्ती की पर बात करूंगा जब फिर ये कहूंगा, फिर इस पर तफसील से बात करूंगा। ईमानदारों के बच्चे कहां खड़े हैं? अगर आप अकेले घर में दुआ करने वाले तो बाकी क्या कर रहे हैं? क्या आपने कभी इस हवाले पर गौर किया? तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। क्या आपके घराने निजात पा चुके हैं? अगर नहीं तो बड़ी जरूरत है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं वो बड़े माहिर हैं, माहिराना तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को बचाएं। इंटरनेट पर बड़े होशियार होकर काम करें और इन सारी चीजों पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया और मीडिया को बड़े मुतात होकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अबलीस बेदीनी का भेद, बगावत की रूह, ये बड़े माहिर हैं लोग और बड़ी माहिराना तरीके से बड़े एक्सपर्ट हैं वो, और वो बड़े एक्सपर्टिस होते हुए बड़े एक्सपर्ट तरीकों से वो ये सारे काम कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए उन्होंने मंसूबा तरतीब दिया हुआ है कि अब क्या करना है, कल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, पांच सालों बाद क्या करना है। और मैं इन सालों में देख रहा हूं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये मुखालफ मसीह के आने की राह तैयार हो रही है। लेकिन मैं तो शुक्र गुजार हूं ईमानदार होते हुए, और आप जितने ईमानदार हैं शुक्र हूं, आपके मसीह के आने की भी राह तैयार हो रही है, हालेलुया। लेकिन मुखालफ मसीह से हमें बचना है, अपने लोगों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, और ये सिखाना है उनको कि किस तरह से उन्हें खुदा के साथ चलना है। और मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ, ये कुल्ली तौर पर बुराई के बड़े माहिर हैं और माहिराना तरीके से तबाही का अमल जारी है जो उन सबके को फरेब देता और अपने चुंगल में फंसा लेते हैं, फरेब देते और फंसा लेते हैं चुंगल में जो मसीह को रद्द करते हैं। क्या आपके बच्चे, आपका घराना मसीह को रद्द तो नहीं कर रहा? और उन सबको फंसा लेंगे अपने चुंगल में और खुदा की कामल सच्चाई को जो कबूल नहीं करते, हाफ ट्रूथ, आधी सच्चाई उनके अंदर है। ठीक है, हम कुछ दुआएं पढ़ लेते हैं, कुछ नमाजें पढ़ लेते हैं और कुछ दुआएं हमें रटी हुई, बस दैट्स हाफ ट्रूथ। क्या आपका मसीह के साथ शख्सी रابطہ और रिश्ता है? ये सोचने की बात है। अगर आपका मसीह के साथ शख्सी रابطہ और रिश्ता है, फिर आप खुदा के जलाल के लोग हैं, फिर आप गुमराह नहीं हो सकते। बेदीनी का भेद फिर आपके अंदर तासीर नहीं करेगा, क्योंकि आप नो कह देंगे, आप अबलीस को पहले ही मौके पर नो कह देंगे। और अगर आप पहले ही छोटी आजमाइश में अबलीस को नो नहीं कहेंगे, तो मैं आपको बताऊं वो बहुत माहिर है, छोटी से बड़ी आजमाइश में डालेगा और आप इस तरह फंस जाएंगे उसके बेदीनी के भेद में। क्योंकि ख़ाश जो है वो हामला होती है, जन्म लेती है, पैदा होती है पहले, फिर वो हामला होती है और गुनाह को जन्म देती है। इसलिए हर उस ख़ाश से जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, हर उस ख्याल और तस्वर को जो मसीह के पर खिलाफ सर उठाए हुए है, उसे कैदी बनाकर मसीह के पांव के नीचे रख दे, ताकि मसीह के पांव के नीचे हर वो ख्याल, हर वो सोच जो मसीह के खिलाफ है, कलाम के खिलाफ है, वो कुछ ही नहीं चाहे और आप बच जाए, आपका घराना निजात पा जाए। तो बेदीनी के भेद की आज बात करूंगा, कल गुमराही और बरगश्तगी पर बात करेंगे। तो ये सब कुछ इसी तरह वो अपने चुंगल में फंसाता है जो मसीह को रद्द करते हैं,
और ये कलीसिया में भी बतेरों को इस बात पर तैयार करता है कि वह अपने सच्चे ईमान से फिर जाएं। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में भी अपने सच्चे ईमान से, मैंने बताया, फिर जाते हैं और उस झूठ को कबूल करें जो कलीसिया के चंद अनासर में बढ़ते हुए जाहिर होता हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से सच्चे बाइबली ईमान और खुदा की इखलाकी शरीयत के खिलाफ एक रूह या तहरीक इसमें शामिल है। और ये तहरीक और रूह कभी कभी कुछ खादमों में भी, जो अपने आप को सो कॉल्ड खादम कहलाते हैं, कलाम के खादम नहीं है वो, पेट के खादम कहलाते हैं, वो भी एक दूसरे की मुखालफत करते फिरते हैं। उनके पास सिवाय मुखालफत के कुछ नहीं। और कभी कभी कलीसिया में से लोग, कुछ लोग मसीह के शिफा बख्श काम के खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ आमदेशानी के खिलाफ बातें करते हैं, कुछ कभी कभी कलीसिया को देने के खिलाफ बातें करते हैं, हदीये या दैयकियां देने के खिलाफ बातें हैं। ये सारा बेदीनी का भेद है जो उनमें तासीर करता है। वो खुदा के सच्चे कलाम बाइबली ईमान को कबूल नहीं करते और खुदा की इखलाकी शरीयत को भी के खिलाफ भी वो ये रूह जो है वो काम कर रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इखलाकी शरीयत को भी नजरअंदाज किया हुआ है, ये तमाम इखलाकी पाबंदियों से आजादी चाहते हैं। वो कहते हैं इखलाकी पाबंदियों से भी उन्हें आजादी मिल जाए, जिस तरह के मर्जी वो गुनाह करें, इबादतें भी करें, गुनाह भी करें, बदी के साथ तेरी इबादतें मुझे कबूल नहीं है। वो चाहते हैं बदियां भी करते रहें, शराबे पीते रहें, गुनाह करते रहें, बदियां करते रहें, फिर चर्च में आके इतराफ भी करते रहें, शहरबानियों में भी शरीक होते रहें और शहरबानी भी लेते रहें, मसीह के खून में भी शरीक होते रहें। तुम दो प्यालों में शरीक नहीं हो सकते, शैतान और मसीह के प्याले में, किसी एक का इंतखाब करना होगा। लेकिन बेदीनी का भेद बहुत सारे लोगों में तासीर करता है और वो दोनों साइड्स पर समझते हम खैर है, ठीक है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक दिन इंसाफ करने वाला मुंसिफ आएगा जिसके सामने दिलों के भेद खुल जाएंगे, कोई चीज ढकी नहीं, छुपी नहीं, जोजार ना की जाएगी। इसलिए वाइस की किताब में लिखा है, जवान अपनी जवानी के अय्याम में अपने दिल को बहला, अपने दिल की मर्जी के मुआफिक चल, लेकिन याद रख कि तुझे इन सारे कामों के लिए एक दिन खुदा अदालत में लाएगा। अदालत को मत भूले बीच में, खुदा अदालत में लाएगा। इसलिए मुखालफ मसीह के इस वक्त के जाहिर होने के से पहले बेदीनी का भेद है जो बढ़ता ही जा रहा है। बेदीनी बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, बच्चे मां बाप के कंट्रोल से बाहर है। क्यों? इसलिए कि वालदैन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कुछ लोग टिकटॉक में पड़े हुए हैं, कुछ किसी तरह पड़े हुए हैं, और कुछ बेटियां और बेटे वो टिकटॉक क्वीन और टिकटॉक प्रिंस और शहजादे बनना चाहते हैं टिकटॉक के, और इस तरह के और ऐप्स में फंसे हुए हैं, या वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि शायद जिनसे बुरे काम करके, गंदे हरीस काम करके, गलीस काम करके वो यूट्यूब से या इस तरह के चीजों से पैसा कमाना चाहते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं? बेदीनी का भेद उनमें तासीर करता है। मैं कभी कभी ईमानदारों को कहता हूं, आपने मोबाइल पर ट्यून कौन सी लगाई हुई है? क्या ये ईमानदारों वाले की ट्यून है? आपका स्टेटस कौन सा लगा हुआ है? आपका स्टेटस आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। अगर आप मसीह हैं, बेदीनी का भेद आप चाहते आप पे तासीर ना करें, तो छोटे मौके ना दे इब्लीस को। मैंने कई एल्डरों, डीकनों, पास्टरों के मोबाइल्स पर गानों की ट्यून्स देखी और ऐसे ऐसे स्टेटस लगे हुए देखे, शर्म आती है मुझे बात करते। लिहाज करें, पालूस इसीलिए कहता है, मैं उनके बारे में कहता हूं क्योंकि मुझे खुदा किसी गैरत है, तो खुदा किसी गैरत अपने अंदर रखें, आप बेदीनी के भेद से बच जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तमाम तार इखलाकी पाबंदियों से आजादी चाहते हैं। और वो कभी कभी कहता है, ओ पापा तुसी होर भी थे लोग इंज करते पिना, करने दे उनको, वट एवर द पीपल आर डूइंग लेट देम डू, बट यू आर द पीपल ऑफ गॉड, एंड व्हेन यू आर द पीपल ऑफ गॉड, आपको खुदा के इस असूल के मुताबिक बाइबली ईमान पर खड़ा रहना है, अखलाकी शरीयत पर खड़े रहना है, 10 अहकाम को मानना है,
मुझे किसी ने कहा है कौन सा सच्चा ईमानदार है, कौन सी सच्ची कलीसिया है, तो मैंने कहा जो 10 हुक्मों को मानते हैं। इखलाकी शरीयत है 6 हुक्म, 4 हुक्म जो है वो खुदा के मुतल्लिक है और बाकी 6 हुक्म इखलाकी शरीयत है। खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, लालच ना करना अपने पड़ोसी की बीवी या किसी चीज का, और 5वां हुक्म क्या, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। ये अखलाकी शरीयत है। वो इससे साथ होना चाहते हैं, वो माँ बाप की इज्जत नहीं करना चाहते, माँ बाप के ताबे नहीं रहना चाहते, चाहते आजाद हो जाए। देखिए जो आजाद हुए क्या हाल गुनाह ने उनका किया यूरोप में, चर्चिस के अंदर प्रस्तुत करने वाले लोग नहीं मिलते। देखे क्या हाल किया उन्होंने, कहा ब्रॉड माइंडेड है। पहले भी एनलाइटमेंट तहरीक आई जर्मनी में शुरू हुई और उन्होंने कहा चर्च जाना फजूल है, फिर यही कुछ हुआ। खुदा फिर किस तरह सजाएं देता है। याद रखें, मैं आज भी आपसे कहता हूं खुदा अभी भी आपको वार्न कर रहा है। पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया के लोगों, द पीपल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, गॉड इज वार्निंग यू। ये कोरोना वबा जो है ये अगरचे खुदा की तरफ से अजाब नहीं है, लेबोरेटरी में तैयार हुआ है, लेकिन खुदा ने ऐसे होने दिया ताकि लोगों को खुदा की तरफ रजू लाने का भी मौका मिले, बेदीनी के भेद को वो समझ सके, इसलिए खुदा की तरफ रजू लाए। खुदा आपको बुला रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये खुदा के खिलाफ तमाम इकसाम की सरकशी के रवैयों से खुश होते हैं। बेदीनी का भेद जिनमें असर करता है, सरकशी के रवैयों से खुश होते हैं। जब कोई किसी खादिम के खिलाफ बातें करता है वो बड़े खुश होते हैं, जब किसी चर्च के खिलाफ बातें हो रही हैं बहुत खुश होते हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी और वो खादिम ही थे, उन्होंने कहा जी पास्टर तारक को पकड़ के ले गए हैं और वो चूंकि मुनादी करते कर रहे थे और वो 1,00,000 देखे हैं, और ये सब झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और अगर मैं मसीह की खातर मार भी खाऊं, दुख भी उठाऊं, तो मैं इसको अपना फखर समझता हूं पालूस की तरह। अगर हमें मसीह के दुख मिले और मसीह के दुखों में शरीक होना पड़े तो वही हकीकी कलीसिया, याद रखे। और अगर कोई मसीह के साथ दुख नहीं उठाना चाहता वो उसके पास साथ जलाल भी नहीं पाएगा। अब जरूरत है दुख उठाने वाली कलीसिया तैयार की जाए, लेकिन जब खादिमी दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है वही यार वक्त टीप टॉप हालेलुया, तो फिर कलीसिया को कैसे तैयार करेंगे खुदा के लिए। इसलिए ऐसे खादिम गुमराह कर रहे हैं, घरों में घुस जाते हैं, पढ़े जरा वो पेट के खादिम हैं कैसे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसों से खबरदार रहे, बेदीनी का भेद उनके वसीले से तासीर भी तासीर करता है। जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कलाम के खादमों की मुखालफत करते हैं, जो खुदा के नाम को जलाल नहीं देना चाहते अपने मेंबर्स की खातर, और वो बचाना चाहते हैं सिर्फ अपने मेंबर्स को, वो समझते हैं मेंबर्स हमारे, वो मसीह की कलीसिया तैयार नहीं कर रहे। अभी मेरी दरखास्त है खुदा के खादमों आपसे हाथ बांध कर, खुदा के खादमों खुदा का खौफ जान कर, मसीह की कलीसिया जो तैयार कर रहे हैं उन्हें मैं सल्यूट पेश करता हूं और कहता हूं कि खुदा के जलाल के लिए आप कलीसिया को तैयार करें, दुख उठाने वाली कलीसिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा आपसे खुश होगा, और वो लोग ऐसे रवैयों से भी खुश होते हैं। अगरचे ये रूह पौलुस रसूल के दिनों में भी थी, पहली सदी में भी काम कर रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये आखिरी दिनों में जो है दुनिया और मसीहत में खास तौर पर मौजूद होगी, खास तौर पर मौजूद होगी। अब आप इसको खास तौर पर काम करते हुए देखते हैं क्योंकि यह आखिरी वक्त है। मत्ती 24 बाब की 11वीं आयत मुकद्दस पढ़े, और दूसरे तिमोथियुस 4 बाब 3 4 आयत मुकद्दस पढ़े, आपको पता चल जाएगा किस तरह से यह खास तौर पर अब अबलीस जो है वो काम कर रहे हैं और बेदीनी के भेद के वसीले से आपको लोगों को बहुतों को गुमराह करना चाहता है। मुझे और आपको बाइबली ईमान पर कायम रहना है, 10 हुक्मों पर कायम रहना है। एक खुदा, कोई तराश सूरत और मूरत नहीं, एक खुदा। खुदा का नाम बुरी नीयत से ना लेना, बेफायदा का मतलब है जब तेरी नीयत बुरी हो खुदा का नाम ना लेना, वो तुझे बेसजा नहीं छोड़ेगा। सब्बत को पाक मानना है। मैं आपको बताना चाहता हूं
और इस तरह बाकी जो छह हुक्म मैंने पहले बताए आपको आते हैं, दस हुक्म जुबानी, उनको देखें आप बाइबली ईमान पर खड़े रहे, यीशु मसीह की तालीमात पर खड़े रहे, रसूलों के अमाल पढ़े, रूल को उससे मामूर हो जाए, खतों में से तालीमात पढ़े, आप मजबूत मसीह बन जाएंगे और बेदीनी के भेद की तासीर आपके अंदर काम नहीं करेगी, बल्कि उसे नो कहेंगे और बहुत सारों को बेदीनी के इस भेद से झपट कर निकाल लेने वाले होंगे, तब मसीहा खुश होगा और मेरे जैसे आप जैसे कलाम के खादिम भी खुश होंगे, और वो कलिसियाएं जो मसीह से प्यार करती है, वो लोग जो मसीह की भेड़े हैं, मसीह की दुल्हन है, आप भी खुदावंद को और जलाल देंगे। खुदावंद आपसे कह रहा, उठो, रूह कुद्स की कुदरत से मामूर हो जाओ, घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। अब हमारी मुनादी का मरकज और चीजें नहीं, दाल चावल आटा नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि मुनादी का मरकज यीशु मसीह होगा। हालेलुया, खुदा यीशु आपको बरकत देगा और आप मसीह के ऐसे सफाई बन जाएंगे, ऐसी दुल्हन जो उसे खुश करने वाली हो, पाक और बेअब कलीसिया, ऐसी दुल्हन जिसे वो लेने बादलों पर चल दाने वाला है। आपको मुखालफ मसीह के इस दौर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें बेदीनी का भेद ज्यादा असर कर रहा है, रूल कुद्स की कुदरत से बचना है, कलाम की सच्चाई पर खड़े रहकर बचना है और कभी कंप्रोमाइज नहीं करना किसी बात में, इब्लीस के साथ, बेदीनी के भेद के साथ, बेदीनी की रूह के साथ, बेदीन लोगों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, बल्कि खुदा के सच्चे कलाम पर कायम रहना है। खुदावंद आपको बरकत देगा, आप मसीह की दुल्हन होंगे, आपने कभी अपनी रूहें इब्लीस को नहीं बेचनी, अगर हम मर भी जाए मसीह होते हुए, हमारे लिए बड़ी शादमानी की बात है कि हम मौत कबूल कर लें, शहादत कबूल कर लें, लेकिन अपनी रूह का सौदा न करें इब्लीस के साथ, हमारी रूहें हमेशा मसीह के साथ रहेंगी और हमेशा हम उसके साथ बादशाही करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है आज का कलाम आप सबके लिए बाइस से बरकत है, और मेरा ईमान है इससे बेदारी आएगी, तब्दीली आएगी, दुआओं में झुक जाएं, दुआ के रूह को बुलाएं, रूह को उसकी मामूरी को मांगे इन दिनों में, जब आप घरों में अपने खानदानों को, अपने बच्चों को लेकर बैठे, अगर नौजवान कोई अपने खानदान में बचा हुआ है, वो अपने माँ बाप को बचाए, बहन भाइयों को बचाए, खुदावंद आपको बरकत देगा। आइए जो बीमार है उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए बीमारों के लिए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, जितने बीमार हैं हर तरह की बीमारी से उन्हें छुड़ा, तारीखी की कुवतें यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगियों से चली जाए, तारीखी की कुवतों का इख्तियार खत्म हो जाए, रूह की कुदरत आए, बंधनों को तोड़ दे, और जिस वक्त मजबूर है, परेशान है, कोरोना वायरस से खौफजदा है, ये खौफ दूर हो। हाँ खुदावंद एहतियात करें, लेकिन खौफजदा ना हो, बल्कि तुझ खुदावंद पर अपनी निगाहें लगाएं, और जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाइस खुदावंद परेशान है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो उनके लिए बंदोबस्त कर, रहम कर, फजल कर, अपनी मेहरबानी से घेर, और खुदावंद जो बीमार है उन्हें शिफा दे अभी इसी वक्त, हर तरह के दर्द, हर तरह का ब्लीस का नफाक गंदा, हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं तुझे, इन बदनों को छोड़ दे, और खुदावंद लोग इन दिनों में और तेरी तरफ रुझू लाएं, तौबा करें, गुनाहों से निजात पाएं, और खुदावंद अपनी जिंदगियां तेरे लिए तैयार करे, पूरी दुनिया में बरकत दे, तेरा नाम छिड़ा पाए यीशु मसीह के।